दोस्तों आज हम बनाएंगे पपीते के कोफ्ते। आपने लौकी के कोफ्ते कई बार बनाए होंगे, बार बार खाए भी होंगे, बार बार नई नई रेसिपी से बनाए भी होंगे, लेकिन आप पपीते के कोफ्ते बना के देखना कितने अच्छे, कितने स्वादिष्ट बनते हैं, इतने सॉफ्ट बनते हैं और पसंद भी सबको आते हैं। तो हम सबसे पहले पपीता ले लेंगे, 3 टमाटर लेंगे बड़े, 2 प्याज ली हैं बड़ी और लहसुन अदरक ले लेंगे, बाकी हमारे मसाले रहेंगे। तो हम पपीते के सबसे पहले बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद हम ये जो मैंने टमाटर प्याज सब काट के रख ली है, सबसे पहले हम ग्रेवी का सामान तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल डालना है और इसमें लिए मैंने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और जावित्री, इनको भून लेंगे और डालेंगे लहसुन अदरक, फिर डालेंगे कटी हुई प्याज जो हमने प्याज ली थी, और इन सबको ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत हल्का ब्राउन भूनना है, आंच धीमी रखनी है। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें डाले हैं 8-10 बादाम और 10-12 काजू, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, मतलब एक जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी ना वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो टमाटर में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है, हल्का सा नमक डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। और 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर गल गए हैं। अब इसे हम करछली की सहायता से थोड़ा सा दबाएंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे, ठंडा रख करने के लिए रख देंगे पंखे में। और इतने हम कद्दूकस कर लेते हैं पपीतों को। तो पपीते के कद्दूकस करके इसका पानी निचोड़ लेंगे। पानी निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप पानी नहीं निकालोगे तो आपको बेसन ज़्यादा गिरना पड़ेगा, और जब हम बेसन ज़्यादा गिरेंगे तो इसमें क्या होगा, कोफ्ते हमारे टाइट हो जाएंगे। तो इसलिए हम पानी जब इसका निचोड़ देंगे तो बेसन भी हमें ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेसन इसीलिए लगाते ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, हरी मिर्च, प्याज, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन, हींग, इन सबको डालकर मैश कर लेंगे, यानी कि एक डोसा बना लेंगे, ताकि ये जब हम कोफ्ते बनाएं तो अच्छे बने। तो इन्हें बढ़िया करके मैश कर लें और गोल गोल बॉल बना लें। अगर हम बॉल इकट्ठी बना के रख लेंगे तो जब हम तलेंगे तो हमें आसानी होगी। तो ये मैंने सब एक साथ बना के रख लिए हैं। अब बनाने के बाद जो हमारी प्याज थी वो भी ठंडी हो चुकी है, तो प्याज जो ठंडी हो गई है उसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं और इसकी बना लेते हैं ग्रेवी। तो प्याज की हम ग्रेवी बना लेते हैं, और ग्रेवी बनाने के बाद जो हमने लौकी के कोफ्ते बना के रखे हैं उन्हें तलेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सरसों का तेल, सरसों का तेल लेंगे, थोड़ा इसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि हमें ये तलने पड़ेंगे। तो एक एक बॉल गिरें इसमें, और एकदम गिरने के बाद ये नहीं है करछला एकदम आप चलाने लगें, तो 1 मिनट रुक जाएं, उसके बाद हम इसे उलट पलट करके इसे तल देंगे। तो तलने के बाद आप इसे निकाल लीजिए, और देखिए दोस्तों बच्चे पपीता नहीं खाते हैं, लौकी नहीं खाते हैं और तोरी नहीं खाते हैं। अगर हमें ये चीज़ें खिलानी है उन्हें तो हमें नए नए तरीके से बनानी होगी। कोई भी डिश है अगर आप नए तरीके से बनाएंगे, उसे बढ़िया करके बनाएंगे, तो वो चीज़ बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और बच्चों की ही बात नहीं होती, ये बड़े भी नहीं खाते हैं लौकी तोरी, बड़े भी नहीं खाते। तो हमें ये सब खिलाने के लिए, और ये सब पौष्टिक चीज़ें होती हैं, इन्हें खिलाना है तो हमें नई नई रेसिपी, नई नई तरीके से हमें ये बनानी पड़ेगी। तो ये ग्रेवी जो बनाई है, देखिए पनीर में काजू बादाम तो हम गिरते हैं, लेकिन पपीते के कोफ्ते बनाए हैं उसमें मैंने काजू बादाम गिरे हैं, तो ग्रेवी तो बढ़िया बनेगी। तो ग्रेवी बढ़िया बनेगी तो बच्चे खाएंगे भी उसे मन से, तो पपीता भी खाएंगे, कोफ्ते बनाए हैं उसके। तो इस तरीके से ही हमें सब्जियों को बनाना पड़ता है, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ के। अगर हम सिंपल सी सब्ज़ी बना देंगे तो वो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी नहीं पसंद करते, इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ताकि सब्ज़ी भी बढ़िया बने। तो देखिए मसाला ना थोड़ी देर ढक के रख देंगे और इसकी पहचान ही होती है, तेल ऊपर आ जाता है। तो मैंने ज़्यादा इसमें तेल का यूज़ नहीं किया है, कम तेल डाला है, तो इसलिए तेल मेरा थोड़ा दिखाई नहीं दिया है। तो इसे मैंने ढक के रख दिया था, और बर्तन से ये हटने लगेगा मसाला, इसकी पहचान ये होती है। आप पानी डाल सकते हैं इसमें इतना कि अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, अगर चावल के साथ खानी है तो ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है इसमें और कोफ्ते डाल दिए हैं 5 मिनट के लिए। हम पानी में जब उबाल आ जाए जब आप कोफ्ते डालें, कोफ्ते डालने के बाद
कस्तूरी मेथी डालेंगे, कस्तूरी मेथी नहीं है हरा धनिया डाल दीजिए, गरम मसाला डालिए और 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। 5 मिनट ढकने के बाद आपके कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिए पपीते के कोफ्ते, तो बच्चे ही नहीं बड़े भी खाएंगे, क्योंकि बड़े भी बहुत तो नहीं खाते हैं, लौकी तोरी पपीता ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।